हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें 15 दिन बाद फिर से अपने गांव जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम बहुत सुबह सुबह निकल गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल रात को मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने बस बच्चों के साथ खेला कूदा, गप्पे मारी और टाइम को बस इन्जॉय किया। और आज सुबह एक नई फ्रेश सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी बज रहा है सुबह के 7 और अभी बारिश कम हो चुकी है और सूरज भी निकल आई है, तो अभी तक हमने ब्रश नहीं किया है। और अभी हम जाएंगे, पूनम को उठाएंगे, अभी तक वो नहीं उठी है, और उसके बाद हम ब्रश करेंगे दोनों। उसके बाद आज है 19 सितंबर, तो आज है पापा की बर्थडे, तो इतने दिनों तक तो हम वेज खा रहे थे और आज भी हम नॉन वेज नहीं खा सकते, कल से हम नॉन वेज खा सकते हैं। तो पापा के लिए हम केक तो नहीं ला सकते, देखते हैं क्या स्पेशल हो सकता है। तो चलिए आप लोग भी। उसके बाद मैं उस दिन का और कुछ शूट नहीं कर पाई और अगले दिन सुबह ही हम लोग गांव से निकल गए। सो आज है 21 सितंबर और आज है मेरी बर्थडे, एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 19 सितंबर को पापा की बर्थडे था और आज 21 सितंबर को मेरी बर्थडे है। और तब हम गांव में थे तो कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज पूनम केक लेके आ गई है और अभी बज रहा है 4। और अब मैंने सुबह से व्लॉग को स्टार्ट नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए हमारा सब कुछ प्लान कैंसिल हो गया था। बट पूनम केक लेके आ गई है तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा व्लॉग कर ही लेते हैं। और हम मैं और पापा दोनों एक साथ ही केक काटिंग करने वाले हैं, तो शाम को छोटा सा केक काटिंग सेरेमनी होगा। तो सो गाइज, दिस इज़ माई बर्थडे आउटफिट एंड ये हम बड़ा बाजार से लेके आए थे और अभी बज रहा है 8 और अभी हम केक कटिंग करने वाले हैं, तो चलिए। ये रहा हमारा आज का डिनर, लूची घुगनी और पायस। और मम्मा के हाथ की पायस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी बट फिर भी मेरे लिए स्पेशली पायस बनाई। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जीरू भी पिया, फ्रिज में ही था। एंड उसके अगले दिन मेरी एक फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था, तो मैंने ये वीडियो क्लिप भी ऐड कर दिया। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मम्मा को आज कोलकाता लेके गए हैं और इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है और इसलिए मैं बर्थडे व्लॉग टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई, रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। एंड मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए डॉक्टर, हॉस्पिटल और टेस्ट वगैरह बहुत दिनों से चल रहा था, बट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सिर्फ हैप्पीनेस शेयर करती हूँ और इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया।
तो आज मम्मा को कोलकाता लेके गए हैं एक टेस्ट करवाने के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि कोलकाता या फिर बेंगलोर में ही हो सकता है, तो इसलिए आज मम्मा को कोलकाता लेके गए हैं। और पूनम, दीप, मम्मा पापा चारों गए हैं और मैं और दीदुन घर पे है, बिकॉज घर पे तो किसी ना किसी को रहना ही था, तो इसलिए हम दोनों हैं। और मैं सुबह सुबह नहा लिया है बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि घर पे रह के बोर हो जाऊँगी तो एक मेकअप वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से कोई मेकअप वीडियो शूट नहीं किया और इन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्लमजी वेदर था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने शूट नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही हूँ कि दुर्गा पूजा के लिए कोई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। सो गाइज, कल मैंने अपनी सारी मेकअप ब्रशेस धो दिया था और अभी इन्हें सुखाने के लिए छत पे आई हूँ और अब ये जल्दी से बस सूख जाए और उसके बाद मैं अपनी मेकअप करूँगी। सो गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और इसलिए मैं सिमाई बना रही हूँ। और मैं सुबह ब्रेकफास्ट तो किया था बट फिर भी मुझे भूख लग गई। अभी बज रहा है 10:30, अभी तो लंच करने में बहुत टाइम है, तो इसीलिए मैं सिमाई बना रही हूँ। ये खा के मैं शूट पे बैठूंगी। सो गाइज, मैंने सिमाई खा लिया है और खाते खाते पूनम की व्हाट्सअप स्टेटस देख रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर जगह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ दे रही है और हम लोग पहले कभी कोलकाता नहीं गए। दी मम्मा पापा तो पहले जा चुके हैं और पूनम और मैं कभी नहीं गए, तो पूनम के थ्रू आज मैं देख पा रही हूँ। मैं नहीं गई बिकॉज़ मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं नहीं गई। और तबीयत एक बार ठीक हो जाए उसके बाद तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और मैंने उन लोगों को बोला है कि व्लॉग करने के लिए वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है शूट करने के लिए, बट पता नहीं वो लोग शूट करेगी या नहीं बिकॉज़ वो लोग बहुत ही ज़्यादा कैमरा शाय है। तो अगर करती है तो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सारी ब्रशेस सूख गई है और मैं इन्हें छत से लेके आ गई हूँ। सो अभी मैं मेकअप कर रही थी और करंट चला गया है, बारिश शुरू हो गई है जिसकी वजह से करंट गया है और मेरा आधा मेकअप कंप्लीट हो गया है और आधा अभी बाकी है, तो पता नहीं कब करंट आएगा और मेरा मेकअप मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। बारिश कम हो चुकी है और धूप भी निकल आई है, फिर भी अभी तक करंट नहीं आई है। अभी बच रहा है 2:30 और मैंने शूट के बीच में लंच कर लिया था, तो पता नहीं आज हो पाएगा या नहीं और मैं अपनी शूट कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं, तो बाद में करना पड़ेगा फिर से और आई डोंट नो। सो गाइस, अभी तक करंट नहीं आई है बट धूप निकल आई है, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर लाइट मिल रही है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया, मेरे सामने एक बड़ा सा विंडो है जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट आ रही है और मेरे पास कोई रिंग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं लाइट चला देती हूँ और उसके बाद ऐसे ही शूट करती हूँ। तो मैं अभी पहले शूट ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा मेकअप डन हो चुका है एंड मैंने ये वाली लुक क्रिएट किया है शॉपटोमी के लिए एंड बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी लुक है, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली लुक है। सो कोई भी आसानी से क्रिएट कर सकता है एंड आज तो पूनम नहीं है तो मेरी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, तो इस आउटफिट के साथ मैं बाद में फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँगी। एंड अभी तो वीडियोस डन हो चुका है और मैं देखती हूँ छत पे जाके थोड़ी बहुत सेल्फीज़ वगैरह लेती हूँ और रील्स बनाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक ईयर रिंग्स पहना हुआ है एंड
ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है, सो इसका कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इस बार मैंने मीशो से बहुत सारी ईयर रिंग्स परचेज़ किया है, सो मैं सोच रही हूँ कि एक ज्वेलरी हॉल करूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग देखना चाहते हो या नहीं। सो गाइस, मैं अभी छत पे आई हूँ एंड बहुत सुंदर हवाएं चल रही है, और मैंने वहाँ पे पूनम को कॉल किया था। पूनम ने बोला कि आज मामा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, कल सारे टेस्ट वगैरह होगा, तो उसके बाद पता नहीं कब आएंगे वो लोग। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ तो शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं यहीं पे अपनी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर।